हेलो वांग्शे लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस चलिए इस FF के लास्ट पार्ट को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे हुआन का सीक्रेट बाहर आ चुका और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी इससे। और तब वहाँ पे फाइनली चान और पाउसन सरन आती है और तब वशियान चान के मास्क को उतार देता है। सब वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं और तब फैंसी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती क्योंकि अब फाइनली सबको वशियान बताने वाला था कि वो उसका ट्विंस ब्रदर है। और तब जान सबको सब कुछ बताता है, सबको ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये पर्सन कौन है, सबको वो सब कुछ बताता है। और इसे सुनकर फैंसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वशियान की तरफ और जान की तरफ देख रहा था। वो दोनों ही उसके पास जाते हैं और उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हैं। और तब जान कहता है, ऐसे नहीं रोते, ऐसे रोके तो अच्छा नहीं होगा ना, बेबी को हर्ट होगा। फांगची कहता है, इसका मतलब क्या ये सब कुछ सच है या फ्यूचर से सिर्फ ये सब ठीक करने आए थे। जान कहता है, हाँ मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बट कभी भी मैं अपने फांगची को ये सब नहीं बता पाया, मैं नहीं अपना प्यार उसके लिए दिखा पाया और उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ा, बहुत ज़्यादा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, मैंने उसकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट उसे किया, बट वो मुझसे प्यार करता था जैसे तुम करते हो उससे हमेशा से, है ना। भाई जी कहते हैं, हाँ हमेशा से शायद प्यार ही करता था, बस समझ नहीं आया था। तो फिर जान फाइनली सभा के बीच में आता है और वशियान वहीं हमारे भाई जी के पास बैठता है, उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है क्योंकि अब उन दोनों को ही सच पता चले मैं था और बाकी सबको भी। और तब वशियान कहना स्टार्ट करता है कि ये दो पर्सन बहुत खास है, एक तो मैं खुद ही हूँ जो फ्यूचर्स थी और दूसरी बाउसन सरन है द ग्रैंड मास्टर। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोनों ही कुछ कहें तो ये झूठ होगा, इसीलिए इन दोनों का कहा हर एक बात सच होगी और हम लोग उसे ही मानेंगे। सब भी वहाँ जो पर्सन थे वो भी इसे एग्री करते हैं। और तब हमारा वशियान जान को इशारा करता है कि वो बोल सकता है, तो जान बोलना स्टार्ट करता है, फांग जी और वशियान तुम दोनों को याद है कि तुम दोनों कब मिले थे। फांग जी कहते हैं, हाँ मैं जब गुस्से से यहाँ आया था, जब अंकल इसे ट्रीट करने के लिए मुझे लाए थे, तब पहली बार मैं तब बोला था। तो फिर जान कहता है, हाँ उसके बाद तुम गुस्से के लिए निकल गए थे, बट जब तुम्हें पता चला कि गुस्से पे अटैक हो गया तो तुम इमीडिएटली वहाँ से शुयांग के साथ निकल गए थे, है ना। फांग जी कहते हैं, हाँ यही हुआ था। और तब वो वशियान की तरफ मुड़ता है, कहते हैं तुम उसके पीछे गए थे ताकि तुम गुस्से को और उसे प्रोटेक्ट कर सको, है ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का पहले से ही एहसास था। वशियान कहते हैं, हाँ। तो फिर वशियान कहते हैं, तो फिर इससे क्या। तो जान कहता है, जब युद्ध चल रहा था तुम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे अपने अपने चेहरे पर मास्क पहना था ताकि तुम दोनों ही एक दूसरे को ना पहचान सको ना तुम दोनों को कोई पहचान सके, क्योंकि एक यहीं का किंग था और दूसरा एक ओमेगा, है ना। फांग जी वशियान हाँ कहते हैं। और तब तो फिर वशियान कहता है, हाँ ये सच है, तो फिर इससे क्या। तो जान कहता है, जब युद्ध चल रहा था तो एक आखिरी में जब ऑलमोस्ट युद्ध ख़त्म हो गया था तब एक तैलिस्मा फेंका गया था जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था, है ना। भक्ति कहते हैं, हाँ और मैं जाकर सीधे एक केव में गिर गया था। वशियान भी कहते हैं, हाँ मैं भी। और तब वो दोनों एक दूसरे को हैरान भरे आँखों से देखते हैं और तब उन दोनों को कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखता है कि हाँ वो दोनों ही किसी पर्सन के साथ थे और शायद वो दोनों ही लव मेकिंग कर रहे थे। और तब इमीडिएटली उन दोनों को धीरे धीरे सब कुछ रियलाइज होने लगता है। जान कहता है, हाँ उस केव में तुम दोनों ही गिर गए थे और उस समय वशियान तुम अपनी रट से गुजर रहे थे, है ना। वशियान कहते हैं, हाँ मैंने कोई भी पिल्स नहीं खाई थी युद्ध में आने से पहले और मैं भूल गया था, बट मेरी रट एक्टिवेट हो गई थी उस केव में और वहाँ पर एक ओमेगा था जिसकी सेंट की वजह से मैं पागल हो रहा था, मेरी रट मुझ पर हावी हो रही थी, मुझे कुछ भी समझने या कुछ भी करने का
समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर जान गया था हाँ, और तुम्हारी इसी शर्ट की वजह से पांगजी की पहली ओमेगा हीट उसे हिट करती है। उसका वो फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि क्या करते हैं और क्या होता है, पर तुम्हें उसकी सेंट बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तुम दोनों की सेंट एक दूसरे को पागल कर रही थी, क्रेजी कर रही थी, और उसी के चलते तुम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया। उस समय तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया था, तुम दोनों ने एक साथ अपनी हीट और इट इन्जॉय की थी, इसीलिए आज पांची प्रेग्नेंट है, समझे? उशियान कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता पांगजी, वो तुम थे। उशियान ये कहता था और पांगजी हैरानी से देखता है, इसका मतलब वो बीस्ट आप थे जो मुझे भागलों की तरफ बाइट कर रहे थे, खा रहे थे। पांगजी उशियान एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज दुख से देखते हैं, तो जान कहते हैं हाँ वो तुम दोनों ही थे, और इसीलिए पांगजी प्रेग्नेंट है, और ये बेबी किसी और का नहीं है उशियान, ये तुम्हारा ही है। इनफैक्ट आज तक पांगजी को किसी ने टच भी नहीं किया, तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और का बेबी होगा? उसे केवल तुमने टच किया है, और वह भी तुम्हारी वजह से वो प्रेग्नेंट हुआ है, क्योंकि वो अपनी हीट में आ गया था तुम्हारे रट की वजह से। उशियान पांगजी की तरफ देखता है, उसके हाथ को टाइटली उसने अभी भी होल्ड किया था, वो कहते माफ़ कर दो पांगजी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे, मुझे लगा था कि शायद वो मैं ड्रीम देख रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो मेरे पास नहीं थे। तो फिर पांगजी कहते हैं हाँ, जब मेरी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे मेरी विजन क्लियर नहीं थी, मैंने बस अपने रूप्स उठाए, अपना फोरहेड रिबन लिया, अपना मास्क लिया, वहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे घुस में चलना था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे नहीं पता था कि लव मेकिंग या हीट या रट क्या होती है उस समय, क्योंकि मुझे अपनी हीट के बारे में पता था बट अल्फा की रट के बारे में नहीं पता था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने जस्ट वापस घुसवाया, बस वैसे ही नॉर्मल रहने लगा, और तब कुछ समय बाद आपका वहाँ से लेटर आया था, और जब ये सब हुआ उशियान जान की तरफ देखता है, कहता है इसका मतलब हाँ, इसीलिए हमेशा से पांगजी की ओमेगा सेट तुम्हें पागल करती थी, इसीलिए हमेशा से तुम्हारे अंदर उसकी क्रेविंग थी, बट ये बात ना तुम समझ पाए और ना ये पांगजी समझ पाया कि आखिर क्यों उसे हमेशा ही तुम्हारी सेंट काम डाउन करती थी, क्योंकि इस बेबी को हमेशा से पता था कि उसके फादर कौन है। मतलब पांगजी कहता है इसका मतलब ये बेबी आपका ही है, मैंने आपको चीट नहीं किया। उशियान पांगजी को एकदम टाइट हग कर लेता, कहते हैं हाँ ये मेरा बेबी है, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? पांगजी भी खुश हो जाता है, और तब उशियान कहता है फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है, सच क्या है सबको पता चल चुका है। और तब पौसन चरण कह दिए अभी भी कुछ करना बचा है। उशियान और जान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तब पौसन चरण कह दिए अरे अब पांगजी को तुमने क्लेम कर दिया, बट अब पांगजी की बारी है तुम्हें क्लेम करने की, क्यों पांगजी अपने अल्फा को क्लेम नहीं करोगे? और तब इसे देखकर सुनकर पांगजी के चिक्स रेड हो जाते हैं और उशियान के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। पांगजी कहते हैं नहीं अभी नहीं, यहाँ तो नहीं। भाषण सर हंसते हुए कहते ठीक है तुम लोग कमरे में इंजॉय कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पर तुम वहाँ पर हंसने लगते हैं। और तब चिरन आके कहते हैं पांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें हर्ट करना चाहा, तुम प्रेग्नेंट थे पर मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी। पांगजी कहता है नहीं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है ये बेबी बहुत स्ट्रांग है, इसी ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, हमेशा, अभी तो ये डेवलप भी नहीं हुआ है जैसे, बट अभी से ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, शायद इसी की वजह से मैं फिर से बोल सकता हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ना। वो अपने धीरे से अपनी टमी को रब करने लगता है, आज उससे इस टमी से इस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, कि इन दो हफ्तों में उसने जितना भी इसे कोसा होगा ना, आज वो सब कुछ उसे वापस अपने शब्दों को लेता, कहता बेबी आई लव यू, वो उसे बहुत प्यार से अपनी टमी को हग कर लेता है, और उशियान भी झुक कर उसके टमी को प्यार से किस करता है सबके सामने, और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और तब उशियान कहता है चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, और तब वहाँ पर कोई एंटर करते हुए कहता है नहीं अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है,
और वहाँ पे कोई और नहीं, शुयांग आता है और पाक जी कहते हैं शुयांग अगर, और ये देखकर हमारे जान की तो हालत ख़राब हो जाती है। शुयांग सीधे आता है और जान के कॉलर से पकड़ते हुए उसे कस के पंच देता है और कहता है हिम्मत कसी मुझे अभी तक बांध कर रखने की। हाँ, और जब जान कहता है अपने प्यार से गालों को सहलाते हुए, क्या करता तुम सबसे बड़ी दिक्कत है तो तुम्हें हटाना ज़रूरी था, समझे, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी फांगटी के बीच में दिक्कतें आई थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और ये जो बीबी उस वो होल्ड कर रहा है वो तुम्हारा है, इसीलिए सब कुछ मिसेस अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ही गायब कर दिया, समझे। शुयांग कहता है तुम बेवकूफ़ हो और मुझे लगता है तुम हमेशा से बेवकूफ़ ही रहोगे, बेवकूफ़ नहीं का। तो फिर जान कहता है कि तुम्हें छोड़ा किसने क्योंकि तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता था। तब यांग वहाँ एंटर करते हुए कहते हैं मुझे पता था और इसे मैंने ही छोड़ा, मुझे लगा कि आज सब कुछ ठीक होने वाला है। तो फिर ये भी वापस आ ही जाए तो पुशियान कहता है तुमने इसे कैद करके रखा था स्टार्टिंग से। फिर जान कहता है हाँ मैंने बताया तुम कि सबसे बड़ा काटा यही था, इसीलिए इसे ही हटाया सबसे पहले। तो फिर वांगजी पाउट करते हुए कहता है ये मेरी गोगो है, आप बहुत गंदे हो, आपने क्यों उन्हें बांध कर रखा। फिर शुयांग कहता है नहीं वांगजी, अगर तुम्हारे और पुशियान के बीच में सब कुछ ठीक रहे और मैं दूर रहूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे कैद करके पूरी जीवन भी रखा जाए बस तुम हैप्पी रहो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर वांगजी कहता है कोई बात नहीं अब तो सब कुछ ठीक हो गया। पुशियान कहता है हाँ अब बिल्कुल ठीक है। और तब जान कहता है और अब मेरे जाने का समय हो गया है क्योंकि अब मेरी वर्ल्ड की भांजी को, मेरे वर्ल्ड के इबो को मेरी ज़रूरत है, अब उसे भी होश आ गया होगा और आई एम श्योर कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करेगा क्योंकि अब उसे सब कुछ याद हो गया होगा। भांजी कहता है अगर ऐसी बात है ना तो मैं इबो से खुद बात करूँगा, अगर मैं फिर से रिकार्नेट करके इबो बना हूँ तो मैं उसे सच में बात करूँगा और कहूँगा कि आपको एक मौका दे ताकि आप उससे अपना प्यार दिखा सकें। तो फिर पुशियांग कहता है हाँ मैं भी इबो से कहूँगा। तो फिर जान कहता है तुम्हारा वांगजी मेरे इबो की तरह नहीं है, मेरे इबो ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, वो सभी यादें उसके पास रहेंगी इसीलिए वो मुझसे बहुत नफरत करेगा और मैं उसकी नफरत की ही काबिल हूँ, बस मैं चाहता हूँ मैं हैप्पी रहे चाहे जिसके साथ रहे, इसीलिए मैं बस लास्ट टाइम उसे देखूँगा और फिर उसकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा क्योंकि मैं उसकी अपनी शक्लों से दोबारा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसने कर्स किया था मुझे कि वो कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। भांजी कहता है उसके पास आकर धीरे से उसके हाथों को होल्ड कहता है, कहता है जानगो जानगो आई लव यू और आई एम श्योर अगर मैं प्यार करता हूँ आपसे तो फिर इबो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वो आपको माफ़ कर चुका होगा, बस एक बार कोशिश कीजिएगा उसे बात करने का, बिना कोशिश किए हार मत मानकर उसे दूर मत चले जाइएगा, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कीजिए, अगर मैं इबो हूँ तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ चाहे आप जो भी मेरे साथ करें, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो फिर जान कहता है ठीक है वांग जी मैं केवल एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल टाइप खुलता है और तब पुशियान कहता है तुम्हारे जाने का समय हो गया है। जान भी कहता है हाँ और याद रखना इसे अपनी जान की तरह अपने दिल से लगा कर रखना क्योंकि अगर फांगजी को कभी भी हर्ट किया तो मैं वापस आ सकता हूँ तुम्हें किल करने, समझे, इस बार मैंने केवल अपनी गलती सुधारी है बट अगर अभी मुझे पता चला कि फांगजी पेन में था तो मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूँगा, समझे। पुशियान कहता है हाँ ज़रूर अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे पीटने के लिए फ्यूचर से ज़रूर आ सकते हो। पुशियान और जान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्यारी सी स्माइल करते हैं और तब पुशियान कहता है अपना ध्यान रखना। जान कहता है हाँ और बांगजी का भी और बेबी का भी। और ऐसे ही यहाँ पास्ट ख़त्म होता है और अब हम लोग फ्यूचर आते हैं जहाँ जान सीधे उसी केव में वापस से रीअपियर होता है और तब जान कहता है फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, बहुत समय लग गया मुझे सब कुछ ठीक करने में बट अब सब कुछ ठीक है, बस एक बार इबो मुझे माफ़ कर दे। और फिर वहाँ से वो अपनी कार उठाता है और सीधे
हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या ही वो हॉस्पिटल में है या कहीं और, बट वो सीधे हॉस्पिटल ही आता है। वो उस रूम को धीरे से बाहर से देखता है, बट उसे उस कमरे में कोई भी दिखता नहीं। तो वो वापस अंदर आता है और तब वो देखता है कि इबो वॉशरूम से चेंज करके ऑलरेडी आ चुका था। और तब उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और प्रशियान या कह लो हमारा जान अपनी आँखें चुराने लगता है सांझी से या इबो से। तो फिर इबो कहता है तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, हाँ तो फिर तुमने मेरी बहन को क्यों नहीं बुलाया? जान कहता है वो इबो तुम्हें सब कुछ याद आ गया? इबो चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ याद आ गया, तो क्या करोगे तुम? भुलवा दोगे मुझे? नहीं कर सकते तुम ऐसा। तुम क्या, कोई भी पावर मेरी यादों को नहीं मिटा सकती है ना? अब जान अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, वो इबो से नज़र मिला ही नहीं पा रहा था। और तब इबो धीरे धीरे उसके पास आता है और विशान अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, उसकी नज़रें नीचे थी। उसने वांगजी क्या कह लो इबो उसके एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो सीधे आता है और जान के सामने खड़ा हो जाता है। जाने से पहले कुछ कहता इबो टाइटली उसे हग कर लेता है और जान एकदम शॉक, वो एकदम फ्रीज हो जाता है वहीं पे। और इबो की आँखों से आंसू गिरते हैं और जान उसे फील कर पा रहा था क्योंकि उसके शोल्डर्स थोड़ा वेट हो गए थे। वो कहता है क्या हुआ इबो, तुम रो रहे हो? इबो कहता है इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे तो फिर इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें आखिर छुया गगा से प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें शादी वाली रात को एक किक करना चाहिए था समझे, और तुम्हें अपने साथ कुछ भी होने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद से मेरे मन में तुम्हारे लिए डर और तुम्हें मुझे और श्रेयंग गगा को लेकर तुम्हारे दिल में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी उसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना? तब जान कहता है हाँ मेरी गलती थी, मैं इतना ज़्यादा पागल था कि कभी समझ ही नहीं पाया। और जब सभा में तुम्हें बेइज्जत किया जा रहा था, एम्बैरेस किया जा रहा था, ये पूछा जा रहा था कि इसका फादर कौन है तुम्हारे बेबी का, तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था जैसा उशियान ने किया था, बट मैं पागल ये कभी समझ ही नहीं पाया था, माफ़ कर दो इबो मुझे। इबो कहता है मैंने तो कब का माफ़ कर दिया सच में। जान शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो फिर इबो कहता है हाँ मैंने कर दिया, बट मैं अभी भी आपसे नफरत करता हूँ और नाराज़ हूँ। जान कहता है तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है, पूरी लाइफ मैं तुम्हारी नफरत के साथ जी लूँगा और अब मुझे जाने दो। वो वहाँ से जाने लगता है, इबो उसके हाथ को पकड़ते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? जान कहता है तुमसे बहुत दूर ताकि तुम मुझे भूल सको और तुम्हारा पेन कम हो सके। जान ऐसा कहता है और चुप हो जाता है। वांगजी उसके चेस्ट पर धीरे से मारते हुए कहता है अपनी ओमेगा को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हाँ दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? वशी जान कहते क्या उस इबो ने क्या कहा उसका ओमेगा? जान उसकी तरफ देखता है, कहते हैं मेरा ओमेगा? तो इबो कहते हैं हाँ क्यों, क्या इस लाइफ में शादी नहीं करनी मुझसे? क्या एक ही लाइफ में शादी करके बोर हो गए? शादी तो सात जन्म का बंधन है ना, तो ये तो हमारा केवल दूसरा लाइफ है, अरे अभी तो बहुत ज़्यादा एक साथ बितानी है। और ये सुनकर जान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, तो इबो को इतनी हग कर लेता है, कहते सच में तुम मुझे शादी करोगे तो मुझे माफ़ कर दो? तो इबो कहते हैं हाँ बट वादा करो कि अब से हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरे पर्सन की वजह से कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और तुम मुझे कभी भी फोर्स नहीं करोगे किसी भी चीज़ के। जान के सच में आई स्वेयर मैं कभी भी तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। बट क्या, इबो पूछता है, बट तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? इबो हंसते हुए कहता है पागल हो गया, ना उस समय श्रेयंग गगर मेरे बॉयफ्रेंड थे और ना अभी हैं, जैसे उस समय मेरे गगर थे अभी भी वो वही हैं समझे बेवकूफ इंसान। जान कहता है सच? इबो कहता है हाँ पागल कहेंगे। और वो दोनों एकदम
वहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते एंड उसी समय एक दूसरे को वही पैशनेट सी क्यूट सी प्यारी सी लव किस करते। उसमें किस से ज़्यादा लव था उन दोनों का लव, जितने समय से मानो बरसों से एक दूसरे के लिए उन्होंने वेट किया था, वो सब कुछ उस किस में वो शो कर रहे थे। कितना ज़्यादा प्यार एक दूसरे से करते वो दिखा रहे थे। और तब बुशियान कहता है कि क्या बुलाओगे तुम मुझे, जान गया बुशियान। तो फिर हमारा इबो कहता है तो फिर आप क्या बुलाएंगे, वांग जी या इबो। तो फिर जान कहता है कुछ भी बुलाओ तुम, मेरे लिए वही रहोगे, मेरे लंजा, मेरे हैंगवेंग जुन और मेरे इबो। तो फिर इबो भी कहता है तो फिर आप भी मेरे लिए बुशियान, इलिंग पैट्रियार्क और शाहजहान ही रहेंगे मेरे जैनगो। और दोनों ही एक बहुत प्यारा सा हक शेयर करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि अब वो दोनों ही वापस ही रेड ड्रेस में है, रेड अटायर में है। और तब दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रीस्ट के सामने आते हैं और प्रीस्ट वो दोनों को ही कुछ कहता है और दोनों के सामने मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। और दोनों ही एक दूसरे को वो करते हैं हेवन अर्थ की तरफ और बाकी सब की तरफ, एल्डर्स की तरफ, फिर एक दूसरे की तरफ। और फाइनली इस बार इनकी शादी पूरी होती है। जान इबो को अपनी तरफ पुल करता है और उसे एक पैशनेट हंगरी किस करता है। इबो कहता है रुक जाओ यहाँ सब है। और तब बुशियान कहता है मुझे केयर नहीं, ना तब थी और ना है, समझे। और उसे एक वाइल्ड किस करता है और इसी स्वीट से प्यारे से किस के साथ एफएफ यहीं कंप्लीट होता है। तो गाइस आई होप आपको एफएफ अच्छी लगी होगी। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।